हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, सभी को मालूम है घर में जो जरूरत की सामान है उसे से हमें रेसिपी बनानी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं घर के जो बचे कुचे इंग्रेडिएंट्स है उसी से जलेबी बनाने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी को जरूर देखिए, मैं बहुत ही सुंदर खराड़ेदार जलेबी बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगेगा और बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम मैदा। मैदा को हम सबसे पहले एक बॉल में लेके छान लेंगे। तो यहाँ पे हम बॉल पे एक छड़नी रखे है और मैदे को डाल देंगे, फिर इसे हम छान लेंगे। तो आप सारे ट्रिक्स ध्यान से देखिए, आपके भी घर में एकदम फुली फुली कड़ाड़ी जलेबी बनके तैयार होगी। हमने मैदा को छान लिया, अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम दही। तो ये घर की दही है, दही थोड़ा खट्टी होनी चाहिए तो ही जलेबी अच्छे से तैयार होती है। और साथ में हम डालेंगे फूड कलर। तो आप अपने मन पसंद फूड कलर डाल सकते हैं, या तो ऑरेंज डालिए या पीला डालिए, ऐसे भी आप जलेबी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पीस फूड कलर लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक मिक्स की मदद से ऐसे फेंट लेंगे। मैदे में बिल्कुल लम्स नहीं रखना है, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी का हेल्प लेंगे और मैदे को अच्छे से फेंटेंगे। तो हम 4-4 चम्मच पानी डाल डाल के और बीच से मैदे को ऐसे घुमाते हुए फेंटेंगे। हमें बेटर ज्यादा पतला भी नहीं करना है और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। आप घबराए नहीं, ज्यादा गाढ़ा होगा तो पानी डल सकता है और पतला हो गया तो 1-2 चम्मच मैदे से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, पर ध्यान से बेटर बनाना है। अब हम बेटर को 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही फेंटेंगे। ध्यान रहे डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तभी हमारा बेटर फ्लफी होगा। बेटर को हम 8 से 10 मिनट तक कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए फेंटेंगे, तब जाके हमारी बेटर जो है वो फ्लफी तैयार होगा। तो ऐसे आप कंटिन्यू घुमाते रहिए। आप चाहे तो हाथ यूज करें, चम्मच यूज करें या भी इसको तो इससे करें, पर कंटिन्यू इसे फेंटना है। हमने अपने मैदे को 10 मिनट तक फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसे 1 घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, फिर आपको जलेबी बना के दिखाएंगे। बेटर अपना फूल चुका है, अब चलिए हम चाशनी बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1.25 ग्लास पानी, यानी कि 300 ग्राम हम पानी भी डाल देंगे। चीनी को हम गैस पे मेल्ट करेंगे, तो मेल्ट हम चलाते हुए करेंगे, नहीं तो बेसन में चीनी लग जाती है। चाशनी आप कभी भी चौड़े पेंदी वाले बर्तन में बनाइए, क्योंकि जब हम जलेबी को तलेंगे तो गर्मा गर्म चाशनी में डालना होता है, इसके लिए हम चौड़ी मुंह वाली बर्तन लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी चीनी पिघलने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का टुकड़ा। इससे क्या होता है, अपनी चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं होती है और साफ भी हो जाता है चाशनी, यानी कि जो चीनी में मैली होती है उसे ये निकाल देता है। चीनी अपनी पिघल चुकी है, अब हम चाशनी को 4 से 5 मिनट तेज फ्लेम पे पकाएंगे। हम चाशनी को चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं अपनी चाशनी कैसे उबाले ले रही है।
हमें चाशनी में कोई ताड़ वाली चाशनी नहीं बनानी है, चीनी को जस्ट हल्का सा चिपचिपा होने तक इसे उबालना है। तो हम ये प्रोसेस तेज फ्लेम पे ही करेंगे। नींबू डाले का रिजल्ट आपको दिख ही गया होगा, अपनी चाशनी कितनी फ्रेश दिख रही है। इसे आप दूध से भी साफ कर सकते हैं, आधा कप दूध डालिए, साढ़े मैली किनारे हो जाता है, फिर हम उसे डाले से या चम्मच से निकाल के बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना नींबू का काम हो चुका है, अब हम चम्मच की मदद से नींबू को ऐसे टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे। आपको चाशनी दिखा दे रहे हैं, चम्मच को हमने बाहर कर लिया, हल्का सा अपना चम्मच ठंडा हो जाए फिर हम इसे ऐसे उंगलियों से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मध की जैसी चिपचिपाहट आ रही है अपनी चाशनी में, पर कोई ताड़ नहीं बन रही है। अगर ताड़ बन जाएगी तो जलेबी के अंदर अपनी चाशनी ऑब्जर्व नहीं होगी, फिर तो जलेबी रसेदार नहीं होगी। तो बस हमें ऐसी ही चाशनी बनाना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। कलर हम इसलिए डालते हैं कि जलेबी बिल्कुल हलवाई जैसे दिखे। कलर डाल के हम एक मिनट तक और उबाल लेंगे चाशनी को। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये जब चाशनी जलेबी में जाएगा तो जलेबी की खूबसूरती बढ़ जाएगी। कलर डालने के बाद हमने चाशनी को उबाल लिया है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी जलेबी की चाशनी तैयार हुई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। वेटर टेस्ट कर चुका है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको दिखा दे रही हूँ अपनी बेटर हल्की सी फूल चुकी है। अब हम इस बेटर को एक जलेबी मेकर में भरेंगे। तो ये मेकर जो है मार्केट में इजली मिल जाता है, आप चाहें तो प्लास्टिक का कॉर्नर काट के और उससे भी बना सकते हैं। दूध की थैली हो साफ कर लीजिए, उसके कोने को एक छोटा सा काट के फिर उसमें बेटर भर के आप बनाइए। लेकिन मेरे पास ये जलेबी मेकर अवेलेबल है, मैं इससे बना रही हूँ। तो इसका हम ढक्कन खोल देंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा बेटर लेंगे और आराम से इसमें हम भरेंगे। हमने जलेबी मेकर में बेटर अच्छे से भर लिया है, यानी कि यहाँ तक हमने बेटर भरा है। अब हम इसके ढक्कन को कस के लगा लेंगे। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक चौड़ी पेंदी की पैन रख लिया है। जलेबी के लिए ऐसी ही पैन चाहिए, ये मार्केट में मिलता है, आजकल नॉन स्टिक भी आ रहा है तो मेरे पास ये वाला है। ऐसी ही चौड़ी पेंदी वाली पैन होनी चाहिए। पैन में हमने आधा घी और आधा तेल डाला है। हमें तेल ज्यादा भी नहीं डालना है और कम भी नहीं रखना है, यानी कि जलेबी अच्छे से डूब जाए इतना ही तेल में हमें जलेबी फ्राई करना है। आप चाहे तो प्योर घी में भी बना सकते हैं, प्योर तेल में भी बना सकते हैं, या दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। तो हमने तेल गरम कर लिया, अब हम बेटर में से एक ड्रॉप डाल के तेल चेक कर ले रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, बेटर पड़ते ही अपनी जलेबी तैर के ऊपर आ जा रही है, इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसी चिमटी चाहिए हमें जलेबी टर्न करने के लिए। हम घर के लिए बनाते हैं तो एक फोक से भी उलट सकते हैं, पर यही जलेबी के लिए परफेक्ट होता है चिमटी। चलिए अब हम जलेबी का शेप देना शुरू करते हैं। जलेबी बनाते समय हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और फिर उसमें जलेबी का शेप देंगे। तो हम बीच से ऐसे शुरू करेंगे और ऐसे पॉइंट ज्वाइंट कर देंगे, फिर हम ऐसे जलेबी बना के बीच में पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही पैन में अपना बेटर पड़ रहा है वैसे ही जलेबी अपना तैर के ऊपर को आ जाता है। तो हम दूसरे जगह पे एक दूसरी जलेबी तैयार कर ले रहे हैं। अब हम एक साइड से इसे 1.5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, तभी इसे छूना है, नहीं तो जलेबी टूट सकती है। एक साइड से अपनी जलेबी सीख चुकी है, तो हम इस चिमटी की मदद से ऐसे पकड़ के और धीरे से इसे टर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये सारे काम हो रहे हैं।
बोलते हैं जलेबी बनाना टेढ़ा मेढ़ा काम होता है, पर मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतें तो जलेबी अपने घर में एकदम हलवाई जैसे बनके तैयार होगी। हम तो यहाँ कहेंगे कि हलवाई से भी अच्छी जलेबी तैयार कर सकते हैं हम घर में। आप देख सकते हैं अपनी जलेबी कड़ाड़ी तैयार हो गई है, तो हम ऐसे चमटी से एक के ऊपर एक सभी जलेबी को इकट्ठा कर लेंगे और एक साथ में हम इसे पकड़ के इसका एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे। अब हम जलेबी को चाशनी की तरफ ले चलते हैं। तो ये अपनी चाशनी तैयार है, इसमें हम जलेबी को डाल देंगे और एक दूसरी चम्मच की मदद से इसे ऐसे डुबा देंगे। हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक चाशनी में डूबे रहने देना है, जिससे अपनी जलेबी अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेगी। इतने टाइम में हम कढ़ाही में दूसरा बैच डाल ले रहे हैं। तो हम सेम प्रोसेस से आप एक बार और देख लीजिए, ऐसे जलेबी का सेप ले रहे हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया अपनी जलेबी तैर के ऊपर आ रही है। जहां जगह खाली है हम दूसरी जलेबी फ्राक से तैयार कर ले रहे हैं। जितनी बड़ी आपकी पैन होगी उतनी बड़ी बड़ी जलेबियां बनाइए, बड़ा छोटा आपके ऊपर है। एक साइड से अपनी जलेबी कड़ाड़ी हो रही है, तब तक हम चाशनी से जलेबी को बाहर कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देना चाहूंगी, आप देखिए जलेबी कितनी अच्छे से रस को अब्सॉर्ब की है। तो हम एक दूसरे स्पून से ऐसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा चाशनी गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अरे वाह, क्या सुंदर अपनी जलेबी तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं अपनी दूसरी बैच भी जलेबी की फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम सेम प्रोसेस से एक के ऊपर एक इकट्ठा करेंगे। और अब हम इसे एक्स्ट्रा तेल गिराते हुए चाशनी की तरफ ले चलेंगे। चाशनी में हम जलेबी छोड़ देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे रस में डुबा देंगे। ये जब तक अपनी रस अब्सॉर्ब करेगी हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। दूसरी जलेबी भी अपना अच्छे से रस चूस चुकी है। अब हम इसे चम्मच से टेढ़ा करते हुए प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी जलेबी बना के तैयार करेंगे। हमने सभी जलेबी बना के तैयार कर लिया है, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया घर पे जलेबी बनाना कितना आसान है। इसे आप ही जरूर बनाइए, अपने बच्चे को खिलाइए, आप ही खाइए। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।